हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। हम आपके सामने 27 जून 2023 का वीडियो री एग्जाम जो अभी हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, उसी का एनालिसिस है। हिंदी का है पेपर आपका ये। तो आपका पहला क्वेश्चन है, उन्मीलन शब्द का विलोम निम्न में से क्या है? उन्मीलन का विलोम है आपका निमीलन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई। तो यहां पर आपका ऑप्शन कौन सा राइट है? यहां पर आपका ऑप्शन बी राइट है, सिंगार रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव रति है? तो यहां पर सिंगार रस का स्थायी भाव रति है। क्वेश्चन फोर है, मुद्दित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार है, ऑप्शन डी राइट है। फूले का सकल मई छाए जन वर्षा ऋतु प्रकट। तो यहाँ पे जन मनो किस में आता है? उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है, तो ऑप्शन ए राइट है। यहाँ पर किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो यहाँ पर जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ होता है, बहुव्यक्त नहीं होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट है। जहां जाया ना जा सके उसे अगम्य कहते हैं, ऑप्शन डी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर एट, गुप्तचर इस शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? तो यहां पर ऑप्शन बी राइट है, छिपकर टो लेने वाला। किए गए उपकार को ना मानने वाला आपका कृतघ्न होता है, ऑप्शन बी राइट है। यहां पर निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो यहाँ पे ज्योत्सना की वर्तनी सही है। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट है। वीडियो में वृक्ष का पर्यायवाची कराया गया था, वृक्ष द्रुम विटप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची नहीं है? तो निर्झर आपका सागर का पर्यायवाची नहीं है, ये झरना का है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो पषाढ़ आपका तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से चिक्कर शब्द का तद्भव शब्द कौन सा? तो चिक्कर शब्द का तद्भव आपका चिकना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव यहाँ पर खजूर शब्द है, ऑप्शन डी राइट है। एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आंसू का बहुवचन आंसू ही होता है, आंसू बहुवचन शब्द ही है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट है। समिति का शब्द का बहुवचन क्या है? समितियां, ऑप्शन बी राइट है। हाथ कंगन को आरसी क्या, लोकोति का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 20, मनगढ़ंत शिष्टता घबराहट इन शब्दों में लिंग बताइए। तो यहाँ पर मनगढ़ंत में भी स्त्रीलिंग है, शिष्टता में स्त्रीलिंग, घबराहट में स्त्रीलिंग। घबराहट होती है, होता है नहीं, तो ऑप्शन ए राइट है। एक लाठी से हाँकना मुहावरे का अर्थ है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है, अच्छे बुरे का अंतर ना करना। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, निम्नलिखित दोनों वाक्यों को कि संपूर्ण शुद्धता के विषय में कौन सा विकल्प सही नहीं है? हमको हमारे पूजनी की यहाँ पे वर्तनी गलत है, उसने उसे मृत्यु दंड की सजा दी जानी चाहिए, तो मृत्यु दंड खुद एक सजा है, तो यहाँ पर सजा वर्ड एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा? दोनों वाक्य अशुद्ध है, ऑप्शन डी राइट है। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? डिंग मारना, ऑप्शन सी राइट है। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही है? तो यहाँ पर अपरा का अर्थ होता है दूसरी, अपार का अर्थ होता है जिसे पार ना किया जा सके, तो ऑप्शन सी राइट है। श्रुत भिन्यात्मक शब्द युग्म आपका आकार का अर्थ होता है आकृति, आगार का होता है धाम, तो ऑप्शन आपका बी राइट है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का कौन सा उदाहरण है? तो महेश खेलता है और रमेश पढ़ता है, ये आपका संयुक्त वाक्य है, आपका ऑप्शन डी राइट है। यह वही भारत है जिसे कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो जब हम बोलते हैं यह वही भारत है, तो इसके बाद में मुझे सेंटेंस बोलने की आवश्यकता लग रही है, इसका मतलब ये मिश्र वाक्य है, एक दूसरे पे वाक्य डिपेंड होंगे, तो ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 27, नरेश घर गया उसने माँ को देखा, तो इसको आपको संयुक्त वाक्य में बनाना है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा, नरेश घर गया और माँ को देखा। अनुकरणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे ई प्रत्यय है, ऑप्शन डी राइट है।
उसके बाद आपका पैसेज है ये पूरा 29 से 33 तक। तो 29 का आपका ऑप्शन यहाँ पे राइट है पैसेज का। तिनके की क्या विशेषता है, तो तिनके की विशेषता ऑप्शन सी है, यहाँ पर 29 का ऑप्शन सी है। थर्टी बूंद, बूंदों के मेल से क्या होता है, तो बूंदों के मेल से सागर का निर्माण होता है, 30 का ऑप्शन बी राइट है। जब चींटियां एक साथ जाती हैं तो दूर तक चली जाती, अपने से बड़े आकार के जीवों को चटकर जाती, एक पंक्ति बना लेती हैं, तो 31 का ऑप्शन आपका डी राइट है, अपने से बड़े आकार के जीवों को चटकर जाती हैं। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, यानी अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो इसका अर्थ क्या, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, ऑप्शन ए राइट है। इस गाद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है, संगठन में शक्ति, ऑप्शन ए राइट है। ओस्ट वर्ल्ड किस विकल्प में है, 34 का ऑप्शन आपका ए राइट है, पा फा बा भा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है, दीर्घ गुण वृद्धि, ये भेद है, अनादि नहीं होता, अयादि संधि होता है, तो ऑप्शन बी राइट है 35 का। 36, किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग है, तो अनुनासिक का प्रयोग ऑप्शन सी में है, चांद सास, अंग और आह आपके अनुसार हैं। राहुल संस्कृतायन के लेखक के लिए निम्नलिखित में से किस विधा को विशेष रूप से पसंद किया गया, तो राहुल संस्कृतायन घुमक्कड़ के ज्यादा जाने जाते थे, तो इनका यात्रा वृतांत है। रसखान कवि किस भाषा के कवि थे, ये ब्रज भाषा के कवि थे। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है, 5, ऑप्शन ए राइट है। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है, तो पूस की रात, ईदगाह, दो बैलों की कथा, ये आपकी प्रेमचंद ने रची है, मतलब लिखी है, ऑप्शन सी ताई, ये प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है। आदेश महानगर पालिका को लिखे गए पत्र को किस प्रकार का पत्र कहेंगे, तो ये औपचारिक पत्र आपका कहेगा, कहा जाएगा। माला तो करके फिरे जीव फिरे मोह मुख माए, मनवा तो चाउदिस फिरे या तो सुमिरन नाए, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट है, ये कबीरदास की पंक्तियां हैं। भाषा का कौन सा सबसे पहले कौन सा कौशल सबसे पहले बच्चा सीखता है, तो यहाँ पर भाषा का सबसे पहला कौशल जो है आपका सुनना और समझना। टीडीपी में चाइल्ड डेवलपमेंट में बताया गया है कि जो आपका बच्चा है वो सबसे पहले लिसनिंग सीखता है, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग, यानी LSRW के अकॉर्डिंग आपका बच्चों के जो कौशल है वो सीखे जाते हैं। तो L मतलब लिसनिंग, S मतलब स्पीकिंग, R मतलब रीडिंग, और आपका लास्ट में बताया W, तो W मतलब राइटिंग, तो LSRW इसके अकॉर्डिंग बच्चे अपने कौशल सीखते हैं। तो सबसे पहला पूछा था, तो सबसे पहला आपका L आता है, L मतलब लिसनिंग मतलब सुनना, तो ऑप्शन C राइट है यहाँ पर। यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा, शक्ति के अनुसार। अपूर्व भूतकाल, ज्ञानु रो रहा था, ये आपका कल भी आया था, वर्तमान काल का कल था अपूर्व। अब इसका संधि विक्षेप कौन सा होगा, ऑप्शन सी राइट है, अभी प्लस ईस्ट। अपादान कारक युक्त वाक्य है, यहाँ पर कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो अलग नहीं हो रही, छत से उतरी हुई लताएं मुरझा गई, ऑप्शन डी राइट है। नाम धातु क्रिया का प्रयोग किस विकल्प में है, तो ये आपका ऑप्शन बी मेरा है, आना वाना जो भी आते हैं लास्ट में वो आपका नाम धातु क्रिया होती है, ऑप्शन बी राइट है। अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अति उपसर्ग, ऑप्शन ए राइट है। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, किस विकल्प में विलोम शब्द सही नहीं है, तो यहाँ पर आपका रुच का निषिद्ध होता है, वरदान अभिशाप, समास का व्यास, सदवा का निर्धवान नहीं होता, ऑप्शन डी आपका राइट है। आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो सभी लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। थैंक यू।